आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे रोजिन का, जो कि मेरे पास दो पॉपुलर रोजिन है जो कि मार्केट में आपको हर जगह पर ऑफलाइन ऑनलाइन मिल जाती हैं। साथ ही मेरे पास एक मदरबोर्ड है जो कि शॉर्ट है। इसमें हम इसकी शॉर्टिंग को फाइंड करेंगे दोनों से और चेक करेंगे कि कौन सा रोजिन है वो अच्छे से काम कर रहा है और हमारे लिए कौन सा रोजिन है वो लेना चाहिए। दोनों रोजिन है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, मार्केट में आपको हर जगह पर मिल जाते हैं। प्राइस की बात करें तो दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, करीब 5 रुपये से 10 रुपये के बीच में आपको डिफरेंस मिल जाएगा प्राइस में दोनों में। और ये दोनों अच्छे रोजिन हैं जो कि हर किसी लोग जो भी मोबाइल टेक्नीशियन हैं वो यूज करते हैं इस चीज़ को, और मैं भी यूज करता हूं। तो आज की वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। यहां पर एक मेरा जो मदरबोर्ड है वो शॉर्ट है, यहां पर मैं मल्टीमीटर से आपको चेक करा देता हूं और चेक करेंगे दोनों रोजिन को अप्लाई करके कौन से अच्छे से मेल्ट हो रहा है। मार्केट में दोनों का प्राइस है वो डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको इस मदरबोर्ड में शॉर्टिंग चेक करा देता हूँ। एक प्रॉप को हम ग्राउंड करेंगे, दूसरे को हम बी वेट पर रखेंगे। तो देख सकते हैं हमारा दोनों फिन है वो हमारा शॉर्ट दिखा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इसकी शॉर्टिंग है वो फाइंड कर रखी है ऑलरेडी प्रैक्टिकल के रूप में, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए। तो सबसे पहले हम ये वाला जो मार्केट में रोजिन पहले मिलता था, सस्ता आता है ये, तो इसको हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखेंगे शॉर्टिंग निकलता है नहीं निकलता है। हम डीसी मशीन से भी निकालने की कोशिश करेंगे शॉर्टिंग को और हम शॉर्ट कलर को भी यूज करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैं रोजिन को अप्लाई कर देता हूँ। मेरे लिए पता है कि जो शॉर्टिंग है वो किस एरिया में है, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिकल करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो कि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सा रोजिन है वो हमारे लिए लेना चाहिए, कौन सा अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने रोजिन को लगा दिया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले डीसी पावर सप्लाई मशीन से यहाँ पर 3.6 वोल्ट या फिर बोल सकते हैं 4 वोल्ट के करीब हम यहाँ पर देंगे, 4 वोल्ट 3 एम्पियर। देखेंगे कि यहाँ पर शॉर्टिंग है वो फाइंड होता है या नहीं होता है ये वाला रोजिन से। तो यहाँ पर मैं टच करता हूँ, देख सकते हैं फुल शॉर्ट है, ये धुआं दे रहा है। धुआं देना चाहिए कहाँ पर और ये दे रहा है कहाँ पर, कोई नहीं। यहाँ पर रोजिन है वो मेल्ट नहीं हुआ है, हल्का फुल्का महसूस हुआ है ये कैपेसिटर पर, हल्का फुल्का, बट इतना महसूस नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। यहाँ पर हम फिर से देखेंगे डीसी पावर सप्लाई मशीन से ही अभी हम वोल्टेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर रोजिन है वो मेल्ट नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। तो ये रोजिन है वो वर्क करता है, अच्छे से वर्क करता है, बट इस मदरबोर्ड पर वर्क नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एम्पियर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक बार शॉर्ट कलर से अब इसकी शॉर्टिंग निकालने की कोशिश करूँगा। तो देख सकते हैं ये हमारी शॉर्ट कलर की प्रॉप्स हैं, एक को हम ग्राउंड करेंगे और दूसरी को हम बैटरी कनेक्टर के बी वेट पर देंगे। तो इस पर हम कनेक्ट टच करते हैं और थोड़ा सा ही टच करेंगे, हमें इसकी शॉर्टिंग निकालना नहीं है। तो ये ग्राउंड वाली प्रॉप्स है वो हमारा अभी थोड़ा दिक्कत कर रहा है, लूज है शॉर्टिंग, इसमें अच्छी खासी शॉर्टिंग है इस मदरबोर्ड में। तो हम अच्छे से लगा देते हैं ग्राउंड वाली प्रॉप्स को, उसके बाद हम देखेंगे इसकी शॉर्टिंग निकालने की कोशिश करेंगे कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम टच करते हैं, देख सकते हैं हमारा कैपेसिटर और उसके बगल में रजिस्टर दोनों जगह पर रोजिन अब वो मेल्ट हुआ है, कैपेसिटर पर ज़्यादा हुआ है। तो ये हमारे लिए पता चल गया इसका कैपेसिटर शॉर्ट था, बट डीसी पावर सप्लाई मशीन से इसकी शॉर्टिंग है वो हमारे लिए फाइंड नहीं हो पाई, हमारे लिए शॉर्ट किलर से इसकी शॉर्टिंग है वो फाइंड हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास जो रिलाइफ का दूसरा वाला रोजिन है जो कि महंगा मिलता है इससे, उसको हम लगा के देखेंगे। तो पहले इसके जो हमने अभी क्लीन किया है थिनर को, उसको हम इसको सुखा देते हैं हॉट गन की मदद से और उसके बाद अप्लाई करेंगे। तो इसे हम थोड़ा देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि इस पर हम रोजिन अप्लाई करेंगे तो वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर वीडियो को रोककर मैंने मदरबोर्ड को ठंडा कर लिया, एक बार मैं क्लीन कर लेता हूँ। उसके बाद हम जो रिलाइफ का रोजिन है हमारे पास मार्केट में जो कि अभी नया आया था, वैसे करीब हो चुका है 6 महीने के करीब इस रोजिन को, तो इसको हम लगाते हैं, इसका रिजल्ट देखेंगे कि इसका रिजल्ट कैसा है, ये क्या डीसी पावर सप्लाई मशीन से इसकी इस रोजिन से हम शॉर्टिंग फाइंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने रोजिन को अच्छे से लगा दिया है। तो फिर से हम डीसी पावर सप्लाई मशीन से इसमें जो
वोल्टेज एम्पियर है वो देंगे 4 वोल्ट 3 एम्पियर सेम हम यहाँ पर सेट कर रखा है। उसके बाद हम बी बैट की लाइन पर इसे टच करेंगे पॉजिटिव पॉइंट को और देखेंगे शॉर्टिंग इसमें फाइंड होता है या नहीं होता है। तो इसमें कोई भी शॉर्टिंग फाइंड नहीं हो पा रहा है और इसका रीज़न ये भी हो सकता है, मैं रोजिन को बुरा नहीं बोलूँगा क्योंकि फर्स्ट वाला रोजिन है वो उस पर भी मेल्ट नहीं हुआ, सेकंड वाला जो रिलाइफ का है उस पर भी मेल्ट नहीं हुआ। ये शॉर्टिंग है वो ज़्यादा एम्पियर पर निकल रही है तो यहाँ पर रोजिन का कोई भी गलती नहीं है। बट एक हमारे लिए पता चला कि दोनों रोजिन में हमारे लिए कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर मैं शॉर्ट किलर को यूज करूँगा क्योंकि डीसी पावर सप्लाई मशीन से हमारा वो भी पहला वाला रोजिन है वो भी मेल्ट नहीं हुआ और ये वाला भी मेल्ट नहीं हो रहा। डीसी पावर सप्लाई मशीन में 3 एम्पियर से ऊपर जा रहा है, ये 5 एम्पियर पर सेट था, सॉरी मैंने पहले 3 एम्पियर बोल दिया था 5 एम्पियर पर सेट था तो ये 4 एम्पियर के करीब ले रहा था, कुछ वायर करंट कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से। अब यहाँ पर मैं शॉर्ट किलर को यूज़ करूँगा, देखूँगा कि ये मेल्ट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर टच कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, थोड़ा रखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, टच करते हैं। हाँ देख सकते हैं हमारा इस बार कैपेसिटर मेल्ट नहीं हुआ बट हमारा जो रजिस्टर था वो मेल्ट हुआ है। तो यहाँ पर पहले जो रोजिन हमने अप्लाई किया था वो उसमें हमारे लिए कैप भी मेल्ट हुआ था और रजिस्टर भी, यहाँ पर ज़्यादा देर मैंने टच किया है तो दोनों मेल्ट हुआ है बट उसमें हमारे लिए जल्दी से मेल्ट हो गया था कैपेसिटर और रजिस्टर। सेम मदरबोर्ड और सेम शॉर्ट किलर यूज किया है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है और यहाँ तक कि पहला वाला जो रोजिन है वो कम टाइम टच करने पर हमारे लिए दोनों कंपोनेंट मेल्ट हुआ था और ये रिलाइफ का था ये इससे थोड़ा टाइम लिया। वैसे जो रिलाइफ का क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कलर में, चमक में, और थोड़ा सा डिफरेंस है कलर में। बाकी का कंपनी पर अगर आप जाते हैं तो कंपनी पर नहीं जाएं, दोनों रोजिन है वो अच्छे रोजिन है, दोनों शॉर्टिंग फाइंड करने के काम में आता है, बिट क्लीन करने के काम में आता है और आप आईसी लगा सकते हैं दोनों से। तो ये प्रैक्टिकल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, कुछ लोग वीडियो बना रहे थे रिलाइफ का जो रोजिन है वो अच्छे से काम करता है, तो यहाँ पर आप लाइव देख लिया कि दोनों रोजिन है वो बराबर ही काम कर रहे हैं, दोनों के प्राइस में आपको अंतर मिलेगा। बट ये इतना महंगा प्रोडक्ट नहीं है जो कि आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक।